नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। इस खास मौके पर बनाई गई 12,000 स्क्वायर फीट की रंगोली, इसे बनाया गया है इंदौर के खंडवा रोड स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में। महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हुए इस रंगोली को तैयार किया गया है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मकसद से इस रंगोली को बनाया गया है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बताया जा रहा है। इस रंगोली में रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, देवी अहिल्या समेत 12 प्रतिष्ठित महिलाओं का पोर्टल बनाया गया है। वहीं इस रंगोली को बनाने वाली आर्टिस्ट शिखा शर्मा ने कहा कि जैसे उन्होंने हमारी जिंदगी में रंग भरा है, ऐसे ही हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर बाकियों की जिंदगी में रंग भरना चाहिए। ये रंगोली है 12,000 स्क्वायर फीट, और 12,000 स्क्वायर फीट के रंगोली में मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए। इसी के साथ वुमेन एम्पावरमेंट मैंने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे, मतलब 12 पोर्ट्रेट मैंने बनाए, रानी लक्ष्मीबाई, देवी अहिल्या, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक जैसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने जो महिलाएँ हैं उनको सम्मान देने के लिए उनकी बड़ी सी रंगोली बनाई है। कितने समय लगे आपको बनाने में? इसे बनाने में मुझे 2 दिन लगे, और 20 बच्चों की टीम थी जिसमें 6 टन कलर का यूज़ किया गया है। 6 टन से भी ज़्यादा कलर यूज़ किए गए हैं। जिन्होंने भी मतलब जो रंग भरे हैं दूसरों की ज़िंदगी में, जो इंस्पायर करती है हम सभी को, तो हम सबको भी वैसा ही बनना चाहिए। शिखा शर्मा और उनकी टीम को 12,000 स्क्वायर फीट में इस रंगोली को बनाने में 2 दिन का वक्त लगा। इससे पहले शिखा कई सामाजिक मुद्दों पर अलग अलग तरह की रंगोली बनाकर 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। महिला दिवस के मौके पर बनाई गई इस रंगोली की खास बात ये है कि पूरी रंगोली दीपावली के मौके पर इस्तेमाल होने वाले साधारण रंगों से बनाई गई है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उड़ीसा के पुरी के तट पर जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के स्टूडेंट्स ने भी रेत से कलाकृति बनाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।